हेलो एवरीवन ग्रीटिंग्स टू ऑल तो आज हम बात करते हैं कंडक्शन सिस्टम की तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स सेल्स दे कैन इनिशिएट इम्पल्स एंड कंडक्ट एम दे कोऑर्डिनेट द कॉन्ड्रक्शन ऑफ द हार्ट एंड हार्ट इज एन ऑटो रिदमिक बिकॉज इट इज कंटेन्यूज कार्डियक मसल्स टिश्यू जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा मसल्स से जो हमारा हार्ट है मसल सेल से बना हुआ होता है और इसका काम है कि जो हमारे इम्पल्सेस है उसे इनिशिएट करना और कंडक्ट करना और नेक्स्ट देखते हैं कि हम ये कोऑर्डिनेट करता है कॉन्ट्रेक्शन के लिए हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन के लिए ये कोऑर्डिनेट करके रखता है और हार्ट ये ऑटो रिद्मेटिक रिद्मेटी होता है इसी ऑटोमेटिक अपना वर्क करता है इसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है ये खुद ही कंडक्ट करता है और इम्पल्स को स्प्रेड करता है और ये जैसे कि ये स्पेशलाइज कार्डियक मसल टिश्यू से मिल के बना होता है वो हो या टिशू हो नैक्स्ट हम देखते हैं द कंडक्टिव सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ मायोकार्डियम दैट इज स्पेशाइज फॉर इनिशिएट एंड कंडक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स जैसा कि हम जानते हैं कि मायोकार्डियम जो हमारी नाइन्टी फाइव परसेंट हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है हार्ट में प्रेजेंट होती है तो जो इम्पलस जो कंडक्शन इनिशिएट जो होता है वो हमारे मायोकार्डियम में ही ये हमारा कंडक्शन सिस्टम यहाँ पे कंडक्ट होता है कंडक्शन सिस्टम का मेन काम ही है कि हार्ट को पंप करना है इम्पल्स प्रोवाइड करना है एम्पल्सिस के बाद वो हमारे जो ट्रांसमिट होने के कारण ये पंप होता है तो हमारे मायोकार्डियम में ही है जो हमारे स्पेशल मायोकार्डियम जो लेयर है यहाँ पर ही इम्पलस कार्डियक की इम्पलस यहाँ पर कंडक्ट हो रही है नेक्स्ट देखते हैं द एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन अकर फर्स्ट जो हमारे जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है वो फर्स्ट फर्स्ट होती है और इसमें हम देखते हैं द साइनोक्रोनियल कॉन्ट्रेक्शन एंड चैम्बर इज इसशल फॉर द एफिशेंट पम्पिंग ऑफ द हार्ट जो हमारा साइनोक्रोनाइज कॉन्ट्रेक्शन भी हमारा इसी से होता है ये पम् हार्ट को शी जितना इसको जरूरत होता तो है तो पम्प करता है अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की तो फर्स्ट तो हमने देखा कि ऑटोमेटिसिटी होती है इसमें ऑटोमेटिसिटी में हम देखते हैं कि एबिलिटी इनिशिएट एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स की उसमें एबिलिटी होती है कॉन्ट्रेक्शन की एबिलिटी होती है नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सीटिबिलिटी एक्सीटिबिलिटी में हम बोल सकते हैं कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल जैसे कि हमारे बॉडी को कोई टच करता है तो जो भी रिस्पॉन्स uh, हमारे ब्रेन तक पहुँचता है वैसे यहाँ पर एक्से जो हमारे एक्सेसिबिलिटी होती है वो हार्ट में भी प्रेजेंट होती है जो कि रिस्पॉन्स करता है नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की तो कंडक्टिविटी में क्या होता है एबिलिटी टू ट्रांसमिट एंड इलेक्ट्रिक इम्पलसेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर जो हमारे सेल जो हमारे हार्ट में जो होता है एप ट्रांसमिट करने की भी एबिलिटी होती है जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्सिस को ट्रांसमिट करता है ये तो हमारे हो गई कंडक्श सिस्टम मतलब हार्ट की कैरेक्टरिस्टिक हो गए नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट की ये पार्ट कौन कौन से होते हैं तो ऐसे नोड ए बी नोट इंटर नोडल बंडल ऑफिस पकंजे फाइबर्स ऐसे नोड को हम साइनो एट्रियल नोट्स भी बोलते हैं ए बी नोट्स को एट्रीओविकलर नोड्स इंटर नोडल जो होता है एट्रियल पाथवे होता है बंडल ऑफिस ए बी बंडल भी बोलते हैं पनकंजे फाइबर्स राइट और लेफ्ट ब्रांचेज यहाँ पर होती है भी बंडल की तो ये हम देख पा रहे हैं इस पिक्चर की हेल्प से हम पूरी एक्सप हम देख पा रहे हैं कि हमारा किस कहाँ कहाँ पे कौन कौन यहाँ पे सिचुएटेड है जो ऐसे नोड हमारा जो हमारे एटीएम साइड में है इंटर पाथवे इसको बोला गया है ए भी नोड जो हमारे एटीएम और वेंटिकल्स के बीच में बंडल ऑफिस जो कि हमारे सेप्टम से होते हुए राइट एंड लेफ़्ट में यहाँ परकिंज़ी फाइबर के साथ यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऐसे नोड जैसा कि हम जानते हैं ऐसे नोड को हम साइनो एट्री uh, भी बोलते हैं तो ऐसे नोड इज सिचुएटेड इन द सल्कस टर्मिनल्स वॉल ऑफ द राइट एट्रियम हम देखते हैं कि ये जो हमारा नियर ऑफ द वेना कावा और एट्रियम राइट एट्रियम में हमारा ऐसे नोड यहाँ पर सिचुएटेड होता है इसे नेचुरल पेसमेकर भी हम बोलते हैं और इसका काम क्या होता है द हार्ट इट इज़ कलेक्ट टू स्पेसलाइट सेल पेसमेकर सेल ये जो हमारे स्पेसलाइट सेल को कलेक्ट करके रखती है इसे हम पेसमेकर सेल भी बोलते हैं तो पेस मेकर सेल स्पॉन्सिलिटी जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो हमारा पेस मेकर सेल का काम होता है तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करना होता है इसे हम नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं इट जनरेट इम्पल्सिस एट द रेट अबाउट सेवेंटी टू तो हंड्रेड बीट पर मिनट एंड इनिशिएट द हार्ट बीट ये क्या करता है जो सेवेंटी से हंड्रेड वीट पर मिनट यहाँ पर ये यह जो साइकिल चलाता है ये ऐसे नोड ही ऐसे कंडक्ट इम्पल्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है नेक्स्ट हम देखते ऐसे नोड जनरेट इम्पल्स बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये जो हमारा ऐसे नोड जनरेट होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से ये जनरेट होता है नेक्स्ट हम देखते इंटरनोडल पाथवे ये इंटरनोडल पाथवे क्या होता है जैसा कि हमने देखा यहाँ पर ऐसे नोड ऐसे नोड ने तो स्प्रेड कर दी लेकिन अब ये जो हमारे ये जो हमें कुछ लाइंस दिख रही हैं यहाँ पे स्प्रेड हो रही हैं ये इंटरनोडल पाथवे हैं। तो हम इलेक्ट्रिक एम्पल्स स्प्रेड फ्रॉम ऐसे नोड थ्रू आउट द एट्रिया इंटरनोडल पाथवे का काम होता है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रिक एम्पल्स है स्प्रेड करता है जो भी थ्रू द एट्रिया तो ये काम करता है द इंटरनोडल पाथवे कंसिस्ट ऑफ द थ्री बैंड्स इसके थ्री बैंड्स होते हैं एट्रियल मिडिल एंड पोस्टीरियर दे लीड डायरेक्टली फ्रॉम द ऐसे टू एट्रियोवेंटिकल नोट्स ये डायरेक्टली कहाँ आते हैं ऐसे से ए बी नोट्स के तरफ जाते हैं और हम एक देखते हैं बैचमैन बंडल बैचमैन बंडल में हम ये देखते हैं इट इज़ ब्रांच ऑफ एट्रियल इंटरनोडल ट्रैक्ट ये जो हमें देखने को मिलता है एक जो एट्रियल जो हमारे इंटरनोडल ट्रैक्ट के रूप में हमें देखने को मिल रहा है इसे बैचमैन बंडल ऑफ लेफ्ट एट्रियम एम में यहाँ पर हमें प्रेजेंट देखने को मिला तो इसे हम बैचमैन ऑफ बंडल भी बोलते हैं इट कंडक्ट द इम्पल्स डायरेक्टली फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम ये क्या करता है ये जो हमारा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट एट्री एम से लेफ्ट एट्रियम के साइड में हमारी इम्पल्स जा रही है तो ये बैचमैन बंडल का काम यही है कि जो हमारे राइट एट्री एम से लेफ्ट एट्रियम में ये हमारे इम्पल्स दे रहा है तो डायरेक्टली राइट एटीएम टू लेफ्ट एटीएम में इम्पल्स प्रोवाइड करता है इसे बैचमैन बंडल कहते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रीओवेंटिकुलर नोड्स जो कि ए वी नोट्स तो एवी नोड्स क्या होता है स्मॉल मॉस ऑफ एन न्यूरोमस्कुलर टिश्यू दैट इज सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ एट्रियम सेप्टम नियर द एटीओवेंटिकुलर वॉल्ब्स ये जो हमारा ए वी नोट्स होता है सेप्टम के नियर में और एट्रीओवेंटिकुलर वॉल्ब में प्रेजेंट होता है ए वी नोट्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम एट्रिया इन टू द वेंट्रिकल ए वी नोट्स का काम होता है जो इम्पल्स होती हैं जो हमारा एट्रियल जो एट्रिया होता है एट्रिया से वेंट्रिकुलर में वेंट्रिकुलर में पहुंचाने का काम करता है और इसको जो सिग्नल इम्पलस uh, है वो स्प्रेड करने में जीरो पॉइंट वन सेकेंड लगता है और हम यहाँ देखते हैं कि दिस अलाउ द एट्रिया टू फिनिश कॉन्ट्रैक्टिंग बिफोर द वेंट्रिकल स्टार्ट और ये हमें मैसेज भी देता है एट्रिया जैसे ही फिनिश होता है वेंट्रिकल्स को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैसेज देता है ए वी नोट्स ऑल्सो हैज़ अ सेकेंडरी पेस मेकर भी इसे कहते हैं जो हमारा ए वी नोट है इसे सेकेंडरी पेस मेकर भी कह सकते हैं तो ये था हमारा ए वी नोट कि ए वी नोट यहाँ पे क्या करता है एट्रियल से वेंट्रिकल में यहाँ पे इम्पलस प्रोवाइड करता है और ये कहाँ सिचुएटेड है हमारे एट्रिया एट्रिया वेंट्रिकुलर एंड सेप्टम के नियर दी सेप्टम नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रीओ बंडल बंडल ऑफ हिस भी हम इसे बोलते हैं द एट्रियो बंडल मतलब ए बी बंडल और बंडल ऑफ हिस इज मास ऑफ स्पेस लाइट फाइबर दैट दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द ए वी नोट्स ये जो हमारे एटी वेंटिकुलर वॉल्स से यहाँ पर ऑरिजिन हुए हैं मास लाइक स्ट्रक्चर से तो ये हमारे कहाँ से ए भी नोट्स से यहाँ पर बने हुए हैं ए भी नोट से जो भी हमारे कनेक्टेड uh, है यहाँ पर ब्रांचेस जो निकली हुई हैं इसे हमने बंडल ऑफ फेस बोला है द ए बी बंडल पासिस थ्रू दी फाइबर्स रिंग दैट स्प्रेड एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स देन एट द अपर एंड द वेंट्रिकल सेप्टम इट डिवाइडेड इंटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस विद इन द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम द ब्रांचेस ब्रेक अप इंटू द फाइन फाइबर्स कॉल द पर्क फाइबर्स हम यहाँ देख रहे हैं कि जो बंडल ऑफ फेस है ए बी नोट्स के बाद ये जो हमारे ब्रांचेस निकली हुई हैं वो हमारे राइट एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स की ओर जा रही हैं तो ये क्या कर रही हैं हमारे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हेल्प कर रही हैं वेंट्रिकल्स तक इम्पलस पहुँचाने का काम कर रही हैं और इसमें से हम देखते हैं कि ये जो हमारे आ, अदर ब्रांचेस भी हमें देखने को मिलती हैं ये जो हमें कुछ इस तरह से ब्रांचेस देखने को मिलती है इसे हम परकंजे फ़ाइबर्स कहते हैं ये पर, आ, परकंजे फ़ाइबर्स जो हमारे होता है मायोकार्डियम लेयर में ऊपर तक जो हमारे इम्पल्स को पहुंचाने का काम करता है और हमारे पूरे वेंट्रिकल्स में यहाँ पे यहाँ पे पहुँच जाता है और ये हमारे हार्ट को कांटेक्ट करता है वेंट्रिकल्स को कांटेक्ट करता है जब वेंट्रिकल्स कांटेक्ट होती हैं तभी वो जो हमारा ब्लड है आउटर में जाता है और पलमूनरी में जाता है तो हम बोल सकते हैं कि पलमुनरी और ब्लड वेंट्रिकल से आउटर पूरे होल बॉडी में पहुँचाने का काम भी करता है तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए वेंट्रिकल को इम्पल्स पहुँचाता है हमारे बंडल एट्रियोवेंटिकुलर बंडल और परकंजे फाइबर्स नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे बंडल के इसमें और भी दिया गया है कि ये ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस नोट द एपेक्स माओकार्डियन देर दैट वेंटिकुलर बै, बै, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो हमारे अपवर्ड साइड को अपवर्ड एंड आउटवर्ड जो पम्पिंग होता है ब्लड इन टू पलरी आर्ट्री एंड द आउटर तो ये काम कौन करता है परकंजे फाइबर बंड ए वी बंडल के बाद जो परकंजे फ़ाइबर्स होते हैं तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इसकी समराइज़ कर लेते हैं फ्लो चार्ट के हेल्प से तो ये जो हमारा ऐसे नोड है हम यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं ऐसे नोड एंड एक्शन पोटेंशियली हमें कुछ येल्लो कलर का देखने को मिल रहा है इसने इम्पल्स यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट कर दिया इसने इम्पल्स स्प्रेड करी तो ये जो हमारा एटीएम जो मसल्स हैं तो सडनली एक्शन एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन फ्रॉम द ऐसे नोड ऑफ द एटी मसल्स ये कहाँ पर जाती है एटीएल मसल्स में जाती है देन एट्रियल मसल्स के बाद हमारे दोनों एटीएल में स्प्रेड हो जाता है थ्रो द एटी ए वी नोट वेयर कंडक्स श्लो देन हम देखते हैं कि जब एट्रियम टी एम थर्ड हमने देखा कि एट्रियम में यहाँ पे इम्पल्स स्टार्ट हो गए यहाँ पे स्प्रेड हो गया देन हम देखते हैं एक्शन पोटेंशली ट्रेवल रैपिडली थ्रो द कंडक्शन सिस्टम द एपिक्स ऑफ द हार्ट देन इसके बाद जो भी हमारा कंडक्शन जो भी हमारा बोल सकते हैं इम्पल्सिस है वो हमारे हार्ट के एपे साइड में जाती है ये हमारे सेप्टम साइड में देखने को मिली नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हमारे फाइबर्स होते हैं एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड अवर्ड थ्रू द वेंटिकुलर मसल्स ये हमारे वेंटिकुलर मसल्स में स्प्रेड हो जाती है ये परकंजी फाइबर्स के हेल्प से हुआ और हम देखते हैं इवेंचुअली एंटायर हार्ट रिटर्न ऑफ द रेस्टिंग स्टेट फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रेस्टिंग एक रेस्टिंग स्टेज भी आती है जिसमें हार्ट रेस्ट कर रहा होता है और ये कंटिन्यू ये साइकिल चली होती चलती रहती है अगर आपको समझ में आया हो आई होप कि समझ में आया होगा तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें लाइक like करें शेयर करें थैंक यू